हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल का दर्शन करके अभी तक वापस आए हैं, और वो देखिए पीछे में ये इसका द्वार है। इस तरह के चार द्वार हैं यहाँ पे, और हम लोग इधर से गए थे और अंदर से दर्शन करके आए। अंदर में कोई भी मोबाइल या कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, उसे यहीं छोड़ कर जाना पड़ता है। हम लोग छोड़ कर गए थे, इसके बाहर निकलने के बाद आपको हम दिखा रहे हैं। बहुत अच्छा भव्य दर्शन हुआ है। अब इसे आप देखिए पीछे, इसके पीछे आपको एक मस्जिद दिख रहा होगा। ये मस्जिद जो है मंदिर के ऊपर बनाया गया था। औरंगजेब जो है मंदिर को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिद बना दिया। अभी उस पर केस चल रहा है, अब देखिए क्या फैसला आता है। देखो भाई, गली में बनारसी चाय, ये हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। बनारस का मजा ही, बनारस की पतली पतली गलियों से होते हुए हम लोग जा रहे हैं भैरव जी का टेंपल देखने के लिए। ये पुराना इलाका है बनारस का। भैरव टेंपल में जा रहे हैं। मैं सारनाथ, आज से 2567 साल पहले बुद्धा यहाँ पे आए थे और अपने 5 शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया था और बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। तो इस जगह को समझने से पहले मैं बुद्धा की ले स्टोरी शुरू से शुरू करता हूँ। बुद्धा बॉर्न इन ए किंगडम, एक राज्य जिसका नाम था कपिलवस्तु। यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी पर इंडो नेपाल बॉर्डर, भारत और नेपाल का बॉर्डर है, वहीं पे एक छोटा सा किंगडम राज्य था कपिलवस्तु। बुद्धा के पिता वहाँ के राजा थे, सुद्धोधन उनका नाम था। व्हेन बुद्धा बॉर्न, जब बुद्धा पैदा हुए तो एक एस्ट्रोलॉजर ने एक प्रेडिक्शन किया, भविष्यवाणी की कि दिस इज़ वेरी मेरिटोरियस चाइल्ड, आइदर बी ए ग्रेट किंग और द ग्रेट मॉन्क। तो ये बहुत ही मतलब मेघावी बच्चा है, या तो एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा और या तो बहुत बड़ा संत। तो हिज फादर डोंट वांट दैट हिज चाइल्ड बिकम ए मॉन्क। कोई भी राजा नहीं चाहेगा कि उसका बेटा एक साधु या सन्यासी बने। तो उन्होंने बुद्धा को प्रोवाइड ए लॉट ऑफ लग्जरी सो दैट ही कुड नॉट बिकम ए मॉन्क, बट डेस्टिनी वाज स्ट्रांग। होनी को जो मंजूर रहता है वही होता है। बुद्धा ने 29 साल के अवस्था तक एक प्रिंस, एक राजकुमार की तरह जीवन व्यतीत किया। लेकिन जब वो 29 साल के हुए तो एक दिन जब वो अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे तो उन्होंने रास्ते में चार चीज़ें देखी, जिसको देख के उनका हृदय बहुत द्रवित हो गया, फुल ऑफ रिमोर्स, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब मैं जीवन के सही मूल्य को खोजूंगा, इस भोग विलास ऐश्वर्यता में कुछ नहीं है। वो चार चीज़ें थी, एक वृद्ध व्यक्ति जो सड़क पर अपनी छड़ी के सहारे जा रहा था, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, तीसरा एक साधु और चौथा एक डेड बॉडी। बुद्धा नेवर सीन सच थिंग इन हिज लाइफ। इसके पहले बुद्धा ने जीवन में के इन पहलुओं को कभी देखा नहीं था। तो देख के उनका हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने डिसाइड किया, नाउ आई विल सर्च द मीनिंग ऑफ द लाइफ, जीवन के अर्थ को मैं खोज करूँगा और जीवन का सही अर्थ सबको समझाऊँगा।
सो इन सर्च ऑफ द नॉलेज, ज्ञान की खोज में आधी रात को उन्होंने अपना किंगडम छोड़ दिया. व्हेन ही लेफ्ट, जब उन्होंने छोड़ा, ही वॉज मैरिड, उनकी पत्नी थी यशोधरा और एक पुत्र था 1 साल का राहुल, बट ही नॉट अफेक्टेड फ्रॉम एनीथिंग, वो किसी चीज से प्रभावित नहीं हुई और आधी रात को अपना घर छोड़ दिया. स्टार्ट वैंडरिंग, इधर उधर घूमना भटकना जंगलों में पहाड़ों में. तो एक दूसरी जगह घूमते घूमते वो जो है काफ़ी 6 साल उन्होंने इस तरह व्यतीत किए. 6 साल घूमने के बाद वो पहुँचे बोध गया, 260 किलोमीटर दूर यहाँ से एक जगह है बोध गया. वहाँ पे जब एक फीकस पीपल के वृक्ष के नीचे वो ध्यानमग्न थे, उसी समय उनको ज्ञान की प्राप्ति, दैट इज इनलाइटमेंट. लेकिन क्या हुआ, जब ये 6 साल जो उन्होंने जंगलों में व्यतीत किए, इस दरमियान उन्होंने 5 मित्र उनके बने, 5 व्यक्ति और, जो वही चीज़ चाहते थे जो बुद्धा खोज कर रहे थे. तो वो भी व्यक्ति उनके साथ समय व्यतीत किया, लेकिन 1 ईयर बिफोर द एनलाइटमेंट. अब उनको ज्ञान प्राप्ति के 1 वर्ष पूर्व उनके जो 5 फ्रेंड थे उन्होंने बुद्धा को छोड़ दिया और चले आए वाराणसी. उनको लगा कि बुद्ध के साथ समय कुछ मिल नहीं रहा है, तो क्यों ना हम चले ज्ञान की नगरी वाराणसी. उस समय भी अर्थात धर्म और अध्यात्म की नगरी, ज्ञान की नगरी कहा जाता था. यहाँ पे आ गए. यहाँ पे आने के पश्चात ये एरिया जंगल था. इसका नाम था ऋषि पत्तन मृगदास, मतलब एक जंगल जिसमें हिरण रहते थे. तो यहाँ पे वो आ गए शांत के एकांत में और ध्यान साधना अपनी तपस्या यहाँ पे किया करते थे. तो बुद्धा को जब 6 साल भटकने के बाद बोध गया में ज्ञान प्राप्त हो गया, तो ही डिसाइडेड कि मैंने जो भी ज्ञान प्राप्त किया है ये मैं सबको बांटूंगा, बट फर्स्ट माय फर्स्ट फ्रेंड, जो मेरे 5 मित्र मेरे साथ इतने दिनों तक थे, सबसे पहले ये ज्ञान मैं उनको दूंगा. अच्छा। तो उन्होंने ध्यान लगाया तो उनको अनुभव हो गया, ज्ञात हो गया कि मेरे मित्र काशी वाराणसी में यहाँ ऋषि पत्तन में रह रहे. सो बुद्धा वॉक्ड फ्रॉम बोध गया टू हियर. वो यहाँ आए, गंगा में डुबकी मारी, फिर यहाँ पे आए, अपने मित्रों से मिले और यहाँ पे उन्होंने अपना पहला ज्ञान दिया. अच्छा। पहला धर्मोपदेश करते हैं, फर्स्ट सर्मन, एंड स्टार्ट द न्यू रिलीजन, फाउंडेड द न्यू रिलीजन दैट इज कॉल्ड बुद्धिज्म. तो यहीं पे उन्होंने अपने 5 शिष्यों का और बुद्धिज्म की स्थापना की और एक मोनेस्ट्री की भी स्थापना की. आफ्टर दैट, इसके बाद बुद्धा बहुत सी जगहों पे गए, भारतवर्ष में कई जगह पे गए, बहुत से उपदेश दिए, फिलॉसफी दी, लोगों को नॉलेज दिया, बट स्टार्ट उन्होंने यहाँ से किया. तो बुद्धा के इसके बाद जो है, बुद्धा 84 साल की अवस्था में बुद्धा की मृत्यु हो गई. 29 साल में घर छोड़ा, 35वें साल उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 84 साल की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई. उनके मृत्यु के 200 ईयर्स आफ्टर किंग अशोका, अशोक भारत का महानतम राजा था, ही बिकम इम्प्रेस्ड विद द डॉक्ट्राइन एंड प्रिंसिपल ऑफ बुद्धिज्म. वो बुद्धिस्ट के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ और उसने बुद्धिज्म को अपना रिलीजन के रूप में एक्सेप्ट कर लिया. तो ही वॉज द ग्रेट किंग. सो उसने फिर जो है उन जगहों पे विजिट किया जहाँ बुद्धा स्पेंड सम डे, अपने जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं जहाँ घटी, जहाँ उन्होंने समय व्यतीत किया, उन जगहों पे वो आया और वहाँ पे उसने स्तूपा, मंदिर, मोनेस्ट्रीज का निर्माण किया. अभी आप जो देख रही हैं ये है मूलगंध कुटी विहार. इसको 1931 में अंगारिका धर्मपाल, हियर द स्टैचू बिलोंग्स टू श्रीलंका, फाउंडर ऑफ द महाबोधि सोसाइटी, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया. बट ओरिजिनली दिस टेम्पल वाज 100 मीटर्स लेटर, 100 मीटर बाद में आर्कियोलॉजिकल पार्क है जहाँ पे अशोक ने सब मोनूमेंट्स बनवाए थे. उसने 2 स्तूपा बनवाए, 1 टेम्पल बनवाया, इसके अलावा 7 मोनेस्ट्रियाँ यहाँ पे रन करती थी. क्योंकि अशोका के बाद भी बहुत से राजे महाराजाओं ने अपना समर्थन बौद्धिज्म को दिया, तो उन्होंने भी अपने कुछ यहाँ पे मोनूमेंट्स वगैरह, मोनेस्ट्रीज वगैरह दी, पैसे दिए, सारी वो चीज़ें. तो जो आर्कियोलॉजिकल, जो मतलब हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो 2200 साल पहले किंग अशोका एंड गुप्ता डायनेस्टी द्वारा बनवाए गए, वो 100 मीटर्स लेटर है, बाद में है, जो हम बाद में जाके उसको आपको दिखाऊंगा. ये न्यू वन, जैसा मैंने, हाँ ये इन्होंने बनवाया. बट दिस टेम्पल, द स्पेशलिटी ऑफ दिस टेम्पल, दिस इज द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द ओरिजिनल मूलगंध कुटी विहार.
जो टेंपल अशोका ने बनवाया था, जो कि बाद में इन्वेडर्स ने डिमोलिश कर दिया, बाय द टाइम बाय द इन्वेडर्स सारे मोनूमेंट्स यहाँ पे ख़त्म हो गए एंड द प्लेस वेंट अंडर द ग्राउंड। ये जब ये जो टीले के रूप में यहाँ था, तो लेकिन 1911 में जॉर्ज कनिंगम द आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया एंड फाउंडर ऑफ ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसने यहाँ विजिट किया और इस जगह की खुदाई करवाई। अच्छा। खुदाई के दरमियान वो सारे जो है मोनूमेंट्स जो अशोक और अन्य राजाओं ने बनवाए थे वो निकले, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रूइंस। अभी आप जो सुन रहे थे ये हमारे गाइड हैं जी, मिस्टर श्रीवास्तव। अच्छा। ये गवर्नमेंट लाइसेंस होल्डर गाइड हैं और ये हमारे साथ आज और कल का पूरा दिन रहेंगे। अभी तक इनका जो कार्यक्रम रहा हमारे साथ बहुत ही अच्छा रहा, सराहनीय है, और उम्मीद करते हैं कि आज का शाम और कल का पूरा दिन इनके साथ बहुत ही अच्छा गुजरेगा। थैंक यू। ये ऊपर जो आप पेंटिंग देख रहे हैं, ये पूरा बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जीवन के ऊपर दर्शाया गया है। यहाँ पे उनका जन्म हुआ, फिर पंडितों ने भविष्यवाणी की, ये कुछ बड़े हो गए। यहाँ पे इन्होंने घर को त्यागा, ये जंगल में तपस्या करते हुए काफी निर्बल हो गए। फिर बौद्ध ज्ञान में ज्ञान की प्राप्ति, यहाँ पे निर्वाणा, करीब 83 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध और उनके 5 शिष्य, और ये जो पीछे पीपल का पेड़ दिख रहा है, ये बौद्ध गया में जो पीपल का पेड़ है जहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं से सैम्पलिंग लेकर यहाँ पे लगाया गया। बाकी कुछ मोनेस्ट्रियाँ थी उनके, इसको बोलते हैं धुमे कुस्तुपा। यहीं पे गौतम बुद्ध पहला प्रवचन अपने 5 शिष्यों को दिया था। ये अभी अवशेष के रूप में, ये करीब 32.6 मीटर इसका हाइट है और 28 मीटर डाया, और टोटल ये एक सॉलिड है, मतलब ब्रिक्स और पत्थर से बना हुआ है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन इसको बहुत अच्छे तरह से आज के दिन में मेंटेन करके रखा गया, चारों तरफ गार्डन है। बुद्ध का स्टैचू है, थाई के द्वारा, थाईलैंड के द्वारा बनाया हुआ, 80 फीट 9 इंच हाइट है इसका। और इस तरह का जो मूर्ति आपको बौद्ध गया में भी मिलेगा, वहाँ भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। तो इनका एक ये सिंबॉलिक पहचान है थाई वाले का, ये कहीं भी इसी तरह के लंबे लंबे स्टैचू बनाते हैं। आ जाओ सामने, आ जाओ। नहीं नहीं जाना है, चलिए ऐसा नहीं, हाँ कहते हैं लेकिन
और कोई भी फोटो अगर खिंचाएगा वहाँ पे, अभी फोटो खींचने के ना और बहुत स्पॉट है। ये थाई टेम्पल बुद्ध का ही टेम्पल है, थाई के द्वारा बनाया हुआ। ये सब क्या कहते हैं, ब्लेसिंग पास्चर, वो मेडिटेशन मुद्रा। हाँ, पीछे जो ज्ञान प्राप्ति, हाँ ये धर्म चक्र प्रवर्तन, हाँ। और ये क्या कहते हैं, अभय मुद्रा, अभय मुद्रा। अच्छा।